बॉबी देओल लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे, फिर उन्होंने रेस थ्री और आश्रम जैसी चर्चित सीरीज से मजबूत वापसी की। अब खबर आ रही है कि वो साउथ इंडियन सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। रोल भी कोई छोटा मोटा नहीं, मुगल शासक औरंगजेब का। पवन कल्याण की फिल्म हरिहारा वीरा मल्लू में ये फिल्म वही फिल्म मेकर बना रहे हैं जिन्होंने कंगना की मणिकर्णिका डायरेक्ट की थी। उनका नाम है राधा कृष्ण जगला मुड़ी, शॉर्ट में बोले तो कृष। हालांकि बाद में कृष ने वो फिल्म छोड़ दी और डायरेक्टर का क्रेडिट कंगना ने खुद लिया। खैर, 2019 में तेलुगु सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण की एक फिल्म अनाउंस हुई, तब तक नाम तय नहीं था। 17वीं सदी में वीर मल्लू नाम का चोर हुआ करता था, उसे मुगलों के यहाँ से कोहिनूर चुराने का काम दिया गया था। उसी आधार पर फिल्म का नाम रखा गया हरिहारा वीर मल्लू। इस फिल्म में वीर मल्लू नाम के डकैत या चोर का रोल खुद पवन कल्याण कर रहे हैं। ये बड़े बजट पर बन रही पीरियड फिल्म है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने की तैयारी है। कोविड-19 की वजह से फिल्म का काम काफी समय तक रुक गया ऐसा बताया गया, मगर फिल्म रुकने की वजह पवन कल्याण का पॉलिटिकल एम्बिशन था, वो उधर व्यस्त थे। खैर, जब वापस फिल्म पर काम चालू हुआ तो काफी कुछ बदल चुका था। सबसे बड़ा बदलाव देखा गया फिल्म की स्टार कास्ट में। लीडिंग पेयर तो वही रहा, पवन कल्याण और निधि अग्रवाल लीड रोल कर रहे हैं। पहले औरंगजेब का किरदार अर्जुन रामपाल निभाने वाले थे, वो अपने हिस्से के कुछ सीन्स की शूटिंग भी कर चुके थे। इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म का हिस्सा थी, जो कि रोशनारा बेगम के रोल में दिखने वाली थी, मगर कोविड के बाद शेड्यूल का हवाला देते हुए अर्जुन और जैकलिन दोनों ने ये पिक्चर छोड़ दी। अब उनकी जगह नरगिस फाकरी और बॉबी देओल को कास्ट किया गया है। इस फिल्म को इतने बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है कि रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म के लिए बड़ा सा सेट बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म पर 900 लोगों का क्रू काम कर रहा है, जो कि किसी भी हालत में बहुत बड़ी संख्या होती है। फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए के पार बताया जा रहा है। कृष ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि बॉबी उनकी फिल्म का हिस्सा होंगे। हालांकि जब तक बॉबी इस फिल्म से जुड़ते तब तक फिल्म का 60% शूट पूरा हो चुका है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई हिंदी फिल्म स्टार मुगल शासक औरंगजेब का रोल करने जा रहा है। करण जौहर ने तख्त नाम की एक फिल्म अनाउंस की थी धुआंधार स्टार कास्ट के साथ, मगर कोविड समेत अन्य वजहों से ये फिल्म रोक दी गई। इस फिल्म में रणवीर सिंह दारा शिकोह के रोल में दिखने वाले थे, औरंगजेब के रोल में दिखने वाले थे विकी कौशल। इसके अलावा फिल्म में करीना कपूर, अनिल कपूर, भूमि पेडनेकर और जाह्नवी कपूर जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे थे। हालांकि वो फिल्म फिलहाल डिब्बा बंद चल रही है, मगर पवन कल्याण और बॉबी देओल स्टारर हरिहारा वीर मल्लू 30 मार्च 2023 को रिलीज के लिए शेड्यूल है। ये पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। ललन टॉप है इंडिया टुडे का डिजिटल फर्स्ट न्यूज प्लेटफॉर्म, एक ऐसी वेबसाइट जहां आप सिर्फ खबरें पढ़ते ही नहीं, वीडियोस को देखते हैं, पॉडकास्ट को सुनते भी हैं। हम हैं नए जमाने के किस्सेबाज, नई तर्ज पर सुनाते हैं नई कहानियां, कहानियां जो बनती हैं कभी जिंदगी के अनुभवों से तो कभी आंकड़ों से, कभी उतर कर आपके बीच दिखाते हैं जमीनी हकीकत, फैक्ट चेक से खोलते हैं झूठ की पोल, तो कभी चुनावी सरगर्मी के बीच नापते हैं सियासत का तापमान। हम हैं दी लल्लन टॉप, स्पष्ट, सरस, सरल।